नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन हैवेल्स इंडिया शेयर। दोस्तों, हमारा जो मेन मोटिव होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। आप जो स्टॉक मार्केट में आए हैं तो कैसे यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं, ये हमारा मेन मोटिव होता है, जिसके लिए हम आपको डिफरेंट शेयर्स जो कि इन्वेस्टर को 10,000 रुपये से करोड़पति बनाया है, मतलब एक छोटे अमाउंट को वो एक बहुत बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट करके दिया है, तो वैसे ही स्टॉक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें है हमारा हैवेल्स इंडिया। दोस्तों, हैवेल्स इंडिया उन सभी स्टॉक में से एक है जो कि इन्वेस्टर को एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। ये इन्वेस्टर को अगर आप 10,000 रुपये लगाते 2010 में, आज आप 1 करोड़पति होते, तो समझ सकते हैं कितना अच्छा ये ग्रोथ दिखाया है, कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दिया है हैवेल्स इंडिया। तो कैसे रिटर्न दिया है, क्या मैजिक है और क्या लॉजिक है, मैजिक और लॉजिक दोनों की बात करें। मैजिक क्यों कहते हैं, मतलब 10,000 रुपये आपके करोड़पति बना दे आपको, तो उसे हम एक मैजिक ही कहते हैं। तो उस मैजिक के पीछे लॉजिक क्या है, हम इस लॉजिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या लॉजिक है कि हैवेल्स इंडिया हमारे 10,000 रुपये को करोड़ों रुपया में कन्वर्ट किया है, मतलब 10,000 रुपये पे इतना बड़ा मतलब रिटर्न दिया है कि वो 10,000 रुपये को 1 करोड़ बनाने की क्षमता हैवेल्स इंडिया में था। तो वैसे ही शेयर फिर आपको ढूंढना है अभी स्टॉक मार्केट में जो कि आगे आपको करोड़पति बना सकता है, तो वो ढूंढना आपका काम रहेगा। तो चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि हैवेल्स इंडिया कैसे इन्वेस्टर्स को करोड़पति बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने हैवेल्स इंडिया का ये डाटा तैयार किया है। इसमें हमारा जो ईयर है, जिस ईयर में ये जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है वो हमने यहाँ पर राइट किया है। फिर नंबर ऑफ शेयर, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आप कितना नंबर ऑफ शेयर मतलब बाय कर सकते थे 2001 में, वो हमने लिया है। फिर यहाँ पर फेस वैल्यू है, कैसे कैसे फेस वैल्यू कॉर्पोरेट एक्शन के द्वारा स्प्लिट किया गया है, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो 10,000 रुपये का था, उस समय शेयर का प्राइस जो था 2001 में 24 रुपीज़ था, जो कि मैंने खुद अपने मैथमेटिक्स से कैलकुलेट किया है। ऐसे उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन होगा बिल्कुल सही होगा, कि हैवेल्स इंडिया का 2001 में जो प्राइस था 24 रुपये था, अभी आप चार्ट पर देखेंगे तो 1.89 रुपया, वो एक्चुअल प्राइस नहीं है, वो तो स्टॉक के बोनस देने से और स्प्लिट करने से उसी रेशियो में डिक्रीज हो गया है, वो प्राइस नहीं है जो प्राइस आप चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पर भी हम लेके आपको चलेंगे। तो हमने जो ये सारे कॉर्पोरेट एक्शन है, इस सारे कॉर्पोरेट एक्शन को लगाया और हैवेल्स इंडिया का प्राइस कैलकुलेट किया। मेरा जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, तो उस मैथमेटिक्स को लगा के हमने कैलकुलेट किया है। हमने इसका कहीं से भी कोई पढ़ाई नहीं किया है कि कैसे हम शेयर प्राइस कैलकुलेट करेंगे 2001 में 2003 में, लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स था 8th क्लास का, उससे मैंने कैलकुलेट करके निकाला है 24 रुपीज उस समय हैवेल्स इंडिया का जो है प्राइस होगा। सारे कॉर्पोरेट एक्शन को लगाने के बाद हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते 24 रुपया पर शेयर के हिसाब से, तो आप जो है कुल शेयर जो बाय कर पाते 2001 ईस्वी में हैवेल्स इंडिया का वो था 416 शेयर, मतलब पॉइंट पे कुछ आएगा तो आप तो हम एक शेयर मतलब 17 ना लेकर के 16 ही लिए, मतलब 2-4 रुपया आप कम ही इन्वेस्ट करेंगे 10,000 में। तो आप यहां से 416 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 416 शेयर है आपके पास 2001 में जब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो आपका फेस वैल्यू उस समय कितना था 10 रुपीज़, उस समय जो फेस वैल्यू था कितना 10 रुपीज़। तो फिर 2003 का वक्त आता है जब हैवेल्स अपना स्टॉक को स्प्लिट करता है, मतलब स्टॉक का जो फेस वैल्यू है उसको स्प्लिट करता है 5 रुपीज़ में, पहले से फेस वैल्यू था 10, अब हो गया फेस वैल्यू 5, तो उसी रेशियो में प्राइस जो है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब फेस वैल्यू आधा हुआ प्राइस आपका आधा हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा 2 गुना, मतलब आपका जो अमाउंट है उतना ही रहेगा, लेकिन एक शेयर के जगह आपका 2 शेयर हो गया, तो जैसे 200 रुपया अगर शेयर प्राइस था तो 100 हो गया, अगर आपके पास पहले से 50 शेयर था तो 100 शेयर हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेशन में लिया गया है 10,000 रुपये में कितना शेयर था 416, ये आपका 2 गुना हो गया 832, सिंपल मैथमेटिक्स। फिर 2000
2005 का वक्त आता है जब हैवेल्स 1:1 का बोनस देता है अपने शेयर होल्डर को। 1:1 का बोनस जब दिया ये अपने शेयर होल्डर को, तो पहले से शेयर था 832, एक शेयर उस पर फ्री दिया गया हर एक शेयर पे, तो कुल आपके पास था 832 शेयर, तो उस पर एक शेयर फ्री, मतलब कुल 832 पे 832 शेयर फ्री, तो कुल शेयर हो गया 1664, तो कुल शेयर हो गया आपके पास 1664, फेस वैल्यू 5 है। फिर 2006 में बोनस लाया हैवेल्स इंडिया 1:1 का, अपने शेयर होल्डर को बोनस दिया, तो अब फिर शेयर क्या हो जाएगा, दोगुना, तो 1664 शेयर था तो दोगुना हो जाएगा कितना, 3328 शेयर, फेस वैल्यू 5। फिर 2010 में हैवेल्स इंडिया 1:1 का बोनस लाता है, अपने शेयर होल्डर को देता है, तो 1:1 का बोनस दिया तो फिर से ये जो शेयर था ये दोगुना हो जाएगा, हो गया 6656। फिर 2014 में स्टॉक स्प्लिट करता है हैवेल्स इंडिया फेस वैल्यू 1 में, तो पहले से फेस वैल्यू 5 था, अब हो गया फेस वैल्यू 1, तो 5 मतलब हमारा जो प्राइस है 5 टाइम्स लेस हो गया, फेस वैल्यू स्प्लिट हो गया 5 में, तो अब यहां से शेयर भी आपका क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे 6656 में, तो ये हो जाएगा 32280 और फेस वैल्यू क्या हो गया 1। तो अब जो हमारा कुल शेयर हो गया आपके पास 2014 में वो हो गया 32280 जिसका फेस वैल्यू है 1 रुपी, और 2014 के बाद अभी तक कोई कॉर्पोरेट एक्शन इसमें नहीं हुआ है, ना तो बोनस लाया है, ना तो अब तो स्टॉक स्प्लिट हो नहीं सकता क्योंकि न्यूनतम प्राइस जो है फेस वैल्यू का 1 है, फेस वैल्यू का प्राइस 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 और 10 रुपीज ऐसे ही रहता है, तो 1 रुपीज से कम हो नहीं सकता। तो अब यहां पर बोनस इधर जो हैवेल्स इंडिया नहीं दिया है, तो आपके पास कुल शेयर हो गया 32280। समझिए, आपने 20 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उससे 3 गुना नंबर ऑफ शेयर है आपके पास। साथ ही साथ जो शेयर का प्राइस था 24 रुपया वो हो चुका है 800, 500, मतलब मैक्सिमम 800 तक जा चुका है, अभी 545 रुपीज़ है, तो समझ सकते हैं इतना हो चुका हमारा हैवेल्स इंडिया का शेयर का प्राइस, और जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया उससे 3 गुना हो गया नंबर ऑफ़ शेयर्स। समझ जाइए, जब नंबर ऑफ़ शेयर्स ही आपके पास 3 गुना हो चुका है, तो अगर शेयर का प्राइस में भी काफ़ी तेज़ी आया हो तो आपका अमाउंट कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया होगा। तो देखिए ये मैजिक क्या है, कितना टाइम्स आपका अमाउंट इंक्रीज हुआ, तो आपका शेयर हो गया संख्या 32280, करेंट प्राइस 541, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1,74,63,480। तो इतना कुल रुपीज आपका हो गया इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, मतलब 1,74,00,000 रुपया। अगर हम बात करें जून 2019 की, तो उस समय इसका प्राइस था 806 रुपया, 806 रुपीज के प्राइस से अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब यहां पर जो 541 हमें करेंट प्राइस लिया है, यहां पर 806 रखें, तो ये हो जाएगा अमाउंट आपका 2,60,45,118 रुपया। क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आपको 10,000 रुपया पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, कभी कभी नहीं मिल सकता। गोल्ड में मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो समझ सकते हैं हमारा स्टॉक मार्केट ही वो मार्केट है, मतलब वो जगह है जहां आपका 10,000 रुपये का अमाउंट भी आपको करोड़पति बना सकता है। साथ ही साथ ऐसे भी आपको सिचुएशन आएंगे कि 10,000 रुपये आपका 0 रुपया भी हो जाए, तो वो आपको ध्यान देना है, आपको वैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जिसका फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हो, और आगे आने वाले 20 सालों तक उसके फंडामेंटल्स कमज़ोर नहीं होने चाहिए, मैनेजमेंट में कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट भी अच्छा हो, उसका फंडामेंटल्स भी अच्छा हो, और साथ साथ बिजनेस भी अच्छा हो, तो ये तीनों पैरामीटर्स कम से कम अच्छी होनी चाहिए, उसके बिजनेस में ग्रोथ, उसका मैनेजमेंट बेहतरीन हो, उसका फंडामेंटल्स अच्छा हो, और अगले 20 साल तक ये सारी चीज़ें आपके फेवर में रहनी चाहिए, तभी जा कर के आप ये जो अमाउंट है वो आप क्रिएट कर सकते हैं मात्र एक छोटे से अमाउंट से। तो अब बात करते हैं, सिर्फ ये आपको जो 2,60,00,000 रुपया का रिटर्न है ये ही नहीं मिलता है, साथ साथ अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट किए होते 2001 में हैवेल्स में, तो अभी आपका कम से कम ये 2,00,000 रुपया होता, और अगर 100 रुपया कम से कम इन्वेस्ट किए रहते तो आप 1,280 रुपया हर साल डिविडेंड के रूप में प्राप्त करते। तो ये था मैजिक हैवेल्स इंडिया के रिटर्न का। इतना ही नहीं, साथ साथ जो एडिशनल डिविडेंड का पे आउट है वो भी हर साल आपको अभी मिलता 1,29,000 एवरी ईयर,
समझते हैं, आपने अमाउंट किया 10,000 और आपको डिविडेंड के रूप में सिर्फ प्राप्त होता 1,29,000 एवरी ईयर। तो इतना बड़ा डिविडेंड आपको मिलता हैवेल्स इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट किए होते मात्र 20 साल पहले। इतना ही नहीं, सिर्फ 10 साल पहले भी आप इन्वेस्ट किए रहते, क्योंकि जो हैवेल्स इंडिया में ग्रोथ देखने मिला है वो सबसे ज़्यादा 2010 से देखने मिला है। 2010 के बाद देख सकते हैं, 2010 में भी इन्वेस्ट किए रहते तो 1:1 का बोनस, फिर ये स्प्लिट जो हुआ है 5:1 में, तो आपका यहाँ पे भी बहुत नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाता। साथ ही साथ इसमें जो ग्रोथ आया है प्राइस में वो 2010 से सबसे ज़्यादा आया है। तो अगर 2010 में भी इन्वेस्ट किए रहते तो आप अभी करोड़पति होते, मतलब आपके पास करोड़ों का अमाउंट होता मात्र 10,000 रुपये अगर आप 2010 के शुरुआत में इन्वेस्ट किए होते। तो ये था हैवेल्स इंडिया का मैजिकल रिटर्न। अब हम इसके प्राइस पे चलते हैं, मतलब इसके चार्ट पे चलते हैं, इसके फंडामेंटल्स को अभी देखते हैं कि आप इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये है हैवेल्स इंडिया का चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हमने जैसा बोला था, तो 2001 में जो चार्ट का लास्ट पॉइंट है 2001 का, उस समय प्राइस है 1.89 रुपया। लेकिन ये प्राइस जो है वो स्टॉक स्प्लिट होने से स्प्लिट हो चुका है, क्योंकि प्राइस भी उसी रेशियो में कम हो जाता है, बोनस देने से प्राइस एडजस्ट हो जाता है, तो वो एडजस्टेड प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है। एक्चुअल प्राइस हमने आपको दिखाया कि 24 रुपीज के आसपास है, 1 रुपया कम या ज़्यादा हो सकता है कैलकुलेशन से इधर उधर। और उसके बाद आप यहां से रिटर्न दे सकते हैं हैवेल्स इंडिया का, अभी देख लीजिए अभी तक में रिटर्न कितना है 28,471%। अगर वही बात करें जब इसका प्राइस अपने मैक्सिमम के आसपास था, तो उस समय देख सकते हैं 41,495%। तो समझ सकते हैं इतना बड़ा मैजिकल रिटर्न दिया है हैवेल्स इंडिया। और अभी आप देख सकते हैं अभी इसमें जो है कब से करेक्शन आ रहा है, 2019 के जून से हैवेल्स इंडिया के प्राइस में लगातार करेक्शन आ रहा है। अभी ये स्टॉक आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो अभी आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको ये देख सकते हैं काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है, हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है अभी हैवेल्स इंडिया में। अभी देख सकते हैं 31% के डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको हैवेल्स इंडिया का शेयर मिल रहा है, तो अभी आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम आ गए हैं एनएससी के चार्ट पर, यहाँ पर हम इसका अभी जो बिजनेस है वो देख लेते हैं, अभी जो हमारा इसका ट्रेडिंग है वो देख लेते हैं, कारोबार किस तरह से हैवेल्स इंडिया का चल रहा है। आज देख सकते हैं ये हमारा जो कारोबार बंद हुआ है 540 रुपये पे, 11 रुपया डाउन था हैवेल्स इंडिया। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आज जो क्वांटिटी ट्रेड हुई वो हुआ, देख सकते हैं 23,83,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवर हुआ है 3,37,000 क्वांटिटी, मतलब मात्र 14.15%। और इसका 52 वीक हाई यहाँ पर देख लीजिए 806 रुपीज, 52 वीक लो है 447 रुपया, जो कि 20 मई 2020 को बनाया है और हाई बनाया है जून 2019 में। और अब आपको हैवेल्स इंडिया का बैलेंस शीट दिखा देते हैं। देखिए यहाँ रिजर्व हैवेल्स इंडिया का 4,242 करोड़ है, कितना ज़्यादा रिजर्व है इस कंपनी के पास। डेप्ट देख लीजिए बिल्कुल जीरो है, कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कैश एंड बैंक बैलेंस 1,100 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है कंपनी के पास, मतलब हर चीज़ पॉजिटिव है। यहाँ पर बुक वैल्यू देख लीजिए, कंपनी का बुक वैल्यू देख सकते हैं यहाँ से लगातार इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं कंपनी का बुक वैल्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। तो सारी चीज़ें अभी भी कंपनी के फेवर में है। तो अभी आप इसके ब्रांड वैल्यू को भी देख सकते हैं, हैवेल्स इंडिया का जो स्विच है, जो बोर्ड है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप भी यूज करते होंगे, जो गीजर है जो पानी गर्म करने के लिए आप बाथरूम में यूज करते हैं, तो बहुत सारे इसके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो अब आपको सोचना है कि आप हैवेल्स इंडिया में इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि अब जो हैवेल्स इंडिया है आपको उतना बड़ा मैजिकल रिटर्न दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो आपको वैसे स्टॉक अभी भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट में है जो आपको आगे चल करके ऐसे मैजिकल रिटर्न दे सकते हैं। तो आपको चूज करना है कि कौन से वैसे स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट करके इतना बड़ा मैजिकल रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि किस प्रकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप एक मैजिकल रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।